डॉक्टर पढ़ रहे हैं, 6 साल की कोर्स होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना होगा डॉक्टर बनने में? प्राइवेट ने भी बंदा होशियार है, गवर्नमेंट सीट भी आ गई तो भी 6 लाख, तो बहुत कुछ लोगों के लिए होगा, एटलीस्ट 40-50 लाख तो लगता है, ठीक है। मैं कितना लिखूं यहाँ पर, आप दे रहे हैं, मैं ले रहा हूँ, लिखने की बात है, एक एवरेज लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 10 लाख, ठीक है। 10 लाख बोल रहे हैं, लेकिन 10 लाख में मेडिसिन होता नहीं है, कम से कम 40-50 लाख तक मिनिमम चाहिए। मैं 2 भी लिख रहा हूं, मैं उनको भी नाराज करना नहीं है, ठीक है। 10 से 40 लाख के पीछे पढ़ाई होगी, राइट। अब डॉक्टर के बाद दूसरा कौन सा कोर्स है जहां 1 लाख कमा सकते हैं? इंजीनियर, ठीक है। ये कितने साल का पढ़ाई है? 4 साल का पढ़ाई है, राइट, ठीक है। इंजीनियर बनने में अच्छी कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, जो सबसे कम फालतू कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छी कॉलेज में अच्छा पढ़ाई करना है तो जनरली क्या फीस होगा उनका, कितना खर्चा आएगा 4 साल में? 4 से 5 लाख का, ठीक है, 5 लाख खर्चा है। उसके बाद में क्या बचा है? और बिजनेस नहीं, नहीं, और पढ़ाई में बहुत कुछ प्रोफेशन से हुए, जल्दी खत्म ना करो। चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, ठीक है। कितने साल का कोर्स है ये? वैसे 2 ही एग्जाम होते हैं उसमें, ये भी, लेकिन लोगों में एवरेज खत्म कर कंप्लीट करते करते 3-4 साल लग ही जाते हैं, ठीक है। फिर भी मान के चलते अच्छा बन रहा है तो 2 साल लेके चलेंगे, मान के चलते हैं 2 साल यहां पर लग रहे हैं। कितना खर्चा आएगा सीए पढ़ने के लिए? अंदाजा 2 लाख, ठीक है। चलो आप जो बताओ वही लिखता हूं मैं, 2 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया? डॉक्टर आ गए, सीए आ गए, उसके बाद में इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आ गया, ठीक है। एमबीए, ठीक है, एक प्रोफेशनल कोर्स है एमबीए। कोर्स कितने साल का होता है ये? 2 इयर्स, ठीक है। ये सब डिग्री ले रहे हैं हम तो 2, 3+2, 5 साल, 5 इयर्स। कितना खर्चा आएगा एमबीए में? अच्छी कॉलेज की बात करो, कितना खर्चा आएगा? चलो 5 लाख लिखेंगे, 5 लाख। और कौन बच गया इसमें? और कौन बच गया? अच्छे लायर भी कमा सकता है, अच्छा लायर भी, वो भी प्रोफेशन कोर्स है वो भी, ठीक है, लायर भी है। ये भी कितने साल का कोर्स है? ये भी 3 साल का है ना, यस, ठीक है। यहाँ कितना खर्चा आएगा? कितने खर्चा आएगा? 3 लाख, चलो मंजूर है 3 लाख, ठीक है। डॉक्टर भी हो गया, इंजीनियर हो गया, चार्टर्ड अकाउंट हो गया, एमबीए हो गया, लायर भी हो गया, ठीक है। और ऐसा कौन सा काम है मार्केट में जो मैंने को कम से कम 1 लाख कमा सकते हैं? आईएएस, ठीक है। चलो एमबीए बोलो, आईएएस बोलो, उसमें आ जाएगा, नौकरी में आ जाएगा, ग्रुप वन ग्रुप सब आ गया उसमें से, ठीक है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन बच गया बिजनेस, राइट, ठीक है। अब लेके चलते हैं बिजनेस। 1 लाख कमाने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 50 से 50। सर 50 बोल रहे, मैं क्या लिखूं? 25 से 50, ठीक है, 25 से 50, तो हम कमी लेके चलते हैं क्योंकि 25 लाख, ठीक है। तो यहां पर हाँ, चलो बिजनेस के लिए हमने तो गलत लिख दिया, 25 लाख का। चलो आज बिजनेस शुरू किया और 25 लाख लगा दिया, कल से इनकम आना शुरू हो जाएगा 1 लाख। कितना वेटिंग पीरियड रहेगा? 1 साल तक, 1 से 2 साल मिनिमम, 2 साल लगा रहा हूं। और यहां पर यहां तक आपके 10+2 तक का खर्चा और टाइम नहीं डाले इसमें,
उसमें हम ऐड नहीं किए, उसमें खर्चा होता होगा ना, आजकल एलकेजी यूकेजी की लाखों रुपए की फीस लग रही, तो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, तो बाद में कंक्शन कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं, डॉक्टर साहब ने बहुत मेहनत की, उनके पेशेंट 6 लाख खर्च किए, इतना इन्वेस्ट किया, ठीक है, इनका पहले महीने का इनकम क्या होता होगा, 50,000 रुपए। अब इंजीनियर साहब है, ठीक है, उन्होंने अच्छा पास किया कॉलेज से, नौकरी पे चले गए, फर्स्ट सैलरी क्या होती होंगे, 50 प्लस। अब मैं तैयार हो गया नौकरी करने के लिए, दिलाऊंगा 50,000। लोग 15,000 के लिए परेशान है, लोग 15,000 के लिए परेशान है, मेरे पास इंजीनियरिंग डिग्री है, गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ, बिकॉज वेज रिविजन हुआ ना, इसलिए हम कॉमन बात करते हैं, उतना नहीं है, 25 ले लेंगे, इसको भी नाराज नको, क्योंकि देने क्या ना लेने कैसे, लिखना ही तो है ना, ठीक है, तो उनको क्यों नाराज करेंगे, मैं इतना पढ़े हुए हो भी, ठीक है, 25,000। चार्ट अकाउंटेंट, बंदा अभी भी पास होके बाहर आया, क्या मिलेगा, बस का खर्चा भी जिससे डालना पड़ेगा, अगर वो जॉब में भी गया है तो जाके चलते हैं, एक 25 लिखेंगे, शुरू में 50,000 कोई नहीं देगा, ठीक है, काम ही आता नहीं, इसी पढ़ा हुआ पढ़ाई अलग होता है, प्रैक्टिकल काम अलग होता है, मान रहे ना बात को, 25,000 रुपए। एमबीए पी सिंह लिखेंगे 25 सिंह, वकील साहब को बस गिरा भी मुश्किल है, जूनियरशिप में घर का टिफिन लेके जाना पड़ेगा, फिर उनको भी नाराज नहीं करेंगे हम, कितना लिखेंगे, 25 लिख दीजिए, 15 20 चलो सात रूपये अपना लेंगे, 20,000 लिख देंगे, ठीक है। अब बिजनेसमैन को आ भी सकता, जा भी सकता, पहले दिन जब शुरू करते थे ना, नहीं होता है ना, 2 साल के बाद में चलते हैं, 1 लाख आ सकता है, हम 2 साल की बात कर रहे हैं, 2 साल के बाद बेटिंग कर लेगा ना, ठीक है। अब ये सब लोगों को अभी 1 लाख आने के लिए कम से कम अलग 2 से 3 साल लगता है, उनके उनके टैलेंट और कैलिबर पर डिपेंड करता है, कोई डॉक्टर है अगर काम कर रहा है तो करने तो इमीडिएटली 1 लाख नहीं कमाएगा, थोड़ा 2-4 साल प्रैक्टिस करने के बाद जब खुद का अगर क्लिनिक चलाता है या एक्सपर्ट बनकर कोई हॉस्पिटल काम कर रहा है तब जाकर 1 लाख बन सकता है, राइट। आने वाले 2-3 साल याद करने पड़े, कम से कम 4 साल तो लगेगा प्लस एजुकेशन के बाद 4 से 5 साल, ठीक है। अभी देखिएगा 6 से 10 हो गए, यहाँ पर 8 साल हो गए, यहाँ पर 7 साल हो गए, यहाँ पर आगे यहाँ पर भी 5-5-10 साल हो गया, यानी कम से कम आज से लेके After 10 years, after 5 से 10 साल के बाद ये 1 लाख पर इनकम का बन रहा है, राइट। किसी का इमीडिएट नहीं पड़ रहा है, नहीं बन रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ रहा है, ये 5-6 साल रोज 5-4 घंटे पढ़ाई करने के बाद, क्लास को जाने के बाद, वो भी पास करने के बाद, तब जाके कुछ इनकम बन रहा है, पास समझ में आ रही, ठीक है। अजी किस कारणवश इस 5 साल के अंदर ऐसा कुछ हो गया, वो काम करने के लायक नहीं रहे, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, ठीक है, ये सब इनकम पूरा उनके एबिलिटी पर डिपेंड, जब तक काम करेंगे तभी पैसा बनेगा, कुछ कारणवश काम नहीं कर पाए, मैं बात कर रहा हूं हाथ पैर दिमाग की, तीनों में कोई एक चीज भी खराब हो गई तो इनकम आना क्या हो जाएगा, आएगा बंद होगा, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन हो, वो काम किए तो ही पैसा आएगा, काम नहीं तो नहीं आएगा, मैं मानते इस चीज को, ठीक है, वो भी कंडीशनल है, ठीक है। अब देखा इतना पढ़ाई करने का, मेहनत करने के बाद ये इनकम बन भी सकता है, नहीं भी सकता है, ऐसे बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं मैं, ठीक है, जो एवरेज से कम है, ठीक है, उनका इनकम इसके आसपास भी नहीं है, ठीक है, कुछ लोग हैं इससे ज्यादा भी कमा रहे हैं, हम एवरेज लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर यहां पर हम वेस्टीज की बात करते हैं, अब मुझे बताइएगा वेस्टीज बिजनेस शुरू करने के लिए कितना लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए, यहां पर
कितना इन्वेस्टमेंट? जीरो। जीरो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया यहाँ पर? जीरो। जीरो हो गया। अब एक लाख के लिए कम से कम कितना टाइम चाहिए? साल की बात कर रहा हूँ मैं, दो साल। ठीक है, हम छह महीने से लेके दो साल बोल रहे हैं, ठीक है, फिर भी हम दो साल लेके चलते हैं, टू ईयर, यहां जाके एक लाख बन रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा यहां पर एनालाइज कीजिएगा, ठीक है। अगर रोज दो तीन घंटे काम करते, अपना अपना काम को संभालते हुए बगैर इन्वेस्टमेंट का अगर ये पैसा कमा सकते हैं, इसको अपनाना चाहिए नहीं चाहिए? कितने लोग तैयार है? वेरी गुड। अब दूसरी बात, ये लोग थोड़ा फोन प्लीज, कोई बात कर रहे सामने तुम्हारे, थोड़ा स्विच ऑफ करो तो थोड़ा बाहर जाइएगा, ठीक है। अभी देखिएगा, अभी ये लोग भी चाहे इसमें कौन सा भी कोर्स ले लो, इसमें कौन सा भी कोर्स ले लो, वो पढ़ाई करने के बाद ही उनकी इनकम आ रही, राइट। अगर मैं हूं